स्टूडेंट, आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन। सो पहले ये सॉल्यूशन से टॉपिक वन में हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो हम देखेंगे इन डिटेल्स। एंड उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसको कहते हैं हेनरी लॉ। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में दो पार्ट रहता है, एक तो होता है सॉल्यूट और एक तो पार्ट होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट पार्ट जो होता है वो होता है स्मॉल अमाउंट, एंड सॉल्वेंट पार्ट जो होता है वो होता है लार्ज अमाउंट। ठीक है, जैसे सोचो NaCl का सॉल्यूशन, NaCl थोड़ा कम होता है एंड वाटर ज़्यादा होता है, इसलिए NaCl हो जाता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो जाता है वाटर। तो यहाँ पे हम दो चीज़ यहाँ पे डिनोट किया, टू एंड वन। हम जब भी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे तो टू से, एंड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वन से। ध्यान से रखो कि सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे टू से एंड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वन से। तो पहले व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। एक्चुअली सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। जैसे सोचो ये सॉल्यूशन ए एंड बी से प्रिपेयर हुआ है, तो ए का कुछ प्रॉपर्टी था, बी का कुछ प्रॉपर्टी इंडिविजुअली अलग सा था। जब ये सॉल्यूशन में आ गया देन इसका इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी था वो नहीं होगा, वो सॉल्यूशन में आ गया तो उसका इंडिविजुअली प्रॉपर्टी लूज हो जाएगा। सो ये सॉल्यूशन का टर्म में तो फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में दो टर्म आता है, एक तो होता है वॉल्यूम रिलेटेड एंड दूसरा होता है मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड एंड मास रिलेटेड क्या होता है वो मैंने नोट पे शेयर कर दिया ऑलरेडी। तो वॉल्यूम रिलेटेड क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, ये हम डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद मास रिलेटेड जो था वो होता है डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड ppm। सो पहले हम ये परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज टर्म अच्छे से कर लो, क्योंकि परसेंटेज टर्म के ऊपर डिपेंड करके सम्स आएगा। तो पहला जो टर्म है वो होता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये पहला डब्ल्यू का मीनिंग है सॉल्यूट का, एंड दूसरा जो मीनिंग है ये है सॉल्यूशन का, नॉट सॉल्वेंट। पहला टर्म होता है सॉल्यूट का एंड दूसरा टर्म होता है सॉल्यूशन का। देखो ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। सो इसका जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट और मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, सो इसको अच्छे से करना। जैसे सोचो यहाँ पे दिया हुआ है 70%, ब्रैकेट में ये दिया हुआ है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू HNO3 सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, ये मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, पहला डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सेकेंड डब्ल्यू जो है ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग तब क्या होगा, मतलब 70% HNO3 सॉल्यूशन मतलब 70 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 70 ग्राम HNO3 इन, सोचो ये 20% दिया हुआ है, मतलब 20 ग्राम HNO3 जो सॉल्यूट हो गया, 20 ग्राम HNO3 सॉल्यूट पहला और इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तब सॉल्वेंट क्या होगा, 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मतलब पहला है 20 ग्राम HNO3 मतलब सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तब सॉल्वेंट क्या होगा, 100 माइनस 20। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब देखो ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया हुआ है, सोचो यहाँ पे ये था मास रिलेटेड, उसके बाद देखो यहाँ पे डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू बाई वी, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देन इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब भी ये वी आ गया मतलब ये तो मास ऑफ सॉल्यूट है, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई ये तब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सोचो यहाँ पे जो मीनिंग है डब्ल्यू बाई वी दिया हुआ है, डब्ल्यू बाई वी दिया हुआ है मतलब 20 ग्राम HNO3 जो सॉल्यूट है इन 100 ग्राम नहीं होगा, तब ये भी दिया हुआ है मतलब ये हो जाएगा 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20% W by V, इसका मीनिंग क्या है, 20 ग्राम HNO3 है 100 ml, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया हुआ है ऑफ सॉल्यूशन ये ml पे दिया हुआ है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मीनिंग। उसके बाद देखो और एक तो परसेंटेज टर्म, यहाँ पे सोचो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब दोनों का वॉल्यूम, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। तो ये मास नहीं होगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इंटू 100। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है कि 20% वी बाई वी, सोचो इथेनॉल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, इथेनॉल सॉल्यूट है, उसका सॉल्यूशन मतलब वहां पे वाटर है, सो 20% वी मतलब 20 ml, ये तब हो जाएगा कि 20 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। तब सॉल्वेंट क्या होगा, तब सॉल्वेंट होगा 100 - 20 मतलब 80 ml। ये इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बताया पहले W बाई W मतलब वेट बाई वेट, उसके बाद W बाई V मतलब वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद V बाई V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके ऐसा एक क्वेश्चन ले लो कि ये शुगर सॉल्यूशन इज 20% W बाई W, इसका मीनिंग क्या है, शुगर सॉल्यूशन 20% W बाई W मतलब शुगर है 20 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छे से देखो, शुगर सॉल्यूट, क्योंकि ये सॉल्यूट का है, ये सॉल्यूशन का है, यहाँ पे दिया हुआ है फाइन W बाई वी, जैसे ये W बाई W से W बाई वी और W बाई वी से W बाई W, ऐसा कुछ कैलकुलेशन आएगा तो दोनों का टर्म यूज रखना, क्योंकि देखो W का तेरे को क्या निकलना है, W बाई वी और सॉल्यूशन मतलब W बाई वी मतलब वेट बाई वॉल्यूम निकलना है, इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मेरे को चाहिए, देखो मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ से आ जाएगा, ये W दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो 20 ग्राम मास आ गया, उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या है, मास वॉल्यूम मतलब मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी, ये ऐसे कर लो वॉल्यूम ऑफ, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, मास बाय डेंसिटी, तो सॉल्यूशन का मास क्या है, देखो ये तो मास है, ये सॉल्यूशन का मास, ये सॉल्यूट का मास, जो फॉर्मूला है ये कैलकुलेट करना है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इधर से आ जाएगा एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये तो दिया हुआ है वेट पे, ये दिया हुआ है वेट पे एंड डेंसिटी भी दिया हुआ है, इसलिए वॉल्यूम वेट एंड डेंसिटी का रिलेशन ये है। सो यहाँ पे मास क्या है 100, क्योंकि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, सो इधर से सॉल्यूशन का मास भी कैलकुलेट हो गया, डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाहर हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर पुट कर लो, ऐसे W बाई वी कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा इक्वेशन बना के वेट बाई वेट से W बाई वी एंड W बाई वी यहाँ पे होगा, तो उसमें से वेट बाई वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकता है, बहुत कुछ इसमें क्वेश्चंस है। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टर्म को अच्छे से यूज करो, W बाई W, W बाई वी एंड वी बाई वी, ये टर्म को अच्छे से करना है एंड उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था परसेंटेज टर्म, परसेंटेज टर्म के अंदर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो टर्म आएगा वो होगा मोलारिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलारिटी, ये क्लास 11 में था, मोलारिटी मतलब, मोलारिटी, मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो मोलारिटी का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब इन, इन होता है नंबर ऑफ मोल्स, इन ये देखो सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट मतलब 2 करके डिनोट करो, सो इन 2 और नंबर ऑफ मोल्स मतलब मॉलिक्यूलर वेट इन टू डिवाइड बाई, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स मतलब उसका वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर है। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इन टू डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
लीटर को ml कर लो इंटू 1000 कर लो, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, W2 इंटू 1000 इंटू मतलब W2 बाई M2, M2 इंटू V, ये ml पे है। सो मोलारिटी का फॉर्मूला है ये, यही मैंने यहाँ पे नोट किया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से करना, क्योंकि इसमें से सम्स आएगा। क्या सम्स आएगा, सोचो ऐसे करके एक तो सम्स दिया हुआ है कि ये 10% डब्लू बाई डब्लू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, सोचो 11 ग्राम पर ml, इसका मोलारिटी कैलकुलेट करना है। मोलारिटी अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10%। एक सेकेंड, ये काली खत्म हो गया थोड़ा। अच्छा ये देख लो पहले, ये 10% W बाई W इसका मीनिंग क्या है, 10% W बाई W इसका मीनिंग क्या है, मैंने ये जो परसेंटेज टर्म बताया था उसमें ये टर्म मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी, 10% W बाई W इसका मीनिंग अच्छे से देखो। अच्छा ये 10% W बाई W मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को क्या चाहिए, मोलारिटी, मोलारिटी मतलब W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई V, क्लियर। W2 कौन सा है, ये 10 ग्राम एंड M2 मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास क्या है, देखो 10% W बाय W मतलब ये था सॉल्यूशन का मास, क्लियर। तो सॉल्यूशन का मास कौन सा है, 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, और डेंसिटी दिया हुआ है कौन सा 11, ये हो जाएगा 11 इक्वल टू 100 बाय V, तो ये V कैलकुलेट करके ये सॉल्यूशन में पुट कर दो, देखो W2 भी आ गया क्या, 10% W2, W2 मतलब मास ऑफ और वेट ऑफ सॉल्यूट एंड M2 मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे यूज करो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे यूज करना, ठीक है। इसके बाद देखो मोलालिटी, यहाँ पे क्या था, मोलालिटी पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन एंड देन मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो फॉर्मूला सेम ही है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब इनटू डिवाइड बाय देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को कौन सा टर्म में लिया, 1 करके डिनोट करेंगे, मास मतलब W, मतलब W1 इन kg, ये kg को ग्राम पे ले लो तो यहाँ पे 1000, तो फॉर्मूला क्या होगा, इनटू मतलब W2 इनटू 1000 डिवाइड बाय M2 इनटू W1, ये ग्राम पे, ये है मोलालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पे है मास ऑफ सॉल्वेंट, यही दो डिफरेंट है। इसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब एक्सपेरिमेंट करेंगे हम कौन सा काम लेंगे, मोलारिटी और मोलालिटी। देखो एक्सपेरिमेंट जब होता है हर डे में होता है, मतलब उसमें टेम्परेचर का डिफरेंट होता है, तो टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम चेंज होता है लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होता है लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं होता है, तो इसलिए मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए मोलालिटी यूज करना मोर फेवरेबल है। सो ऐसे ही जो मैंने सम्स दिखा है, ऐसे ही बहुत सम्स है, वो किताब से प्रैक्टिस करना। वहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये याद रखना मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसे एक तो एग्जांपल ले लो, वही एग्जांपल 10% W बाई W H2SO4 सॉल्यूशन, सो इसका मोलालिटी क्या होगा, मोलालिटी मतलब
क्या डब्ल्यू टू क्या होगा, देखो 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इसका मीनिंग क्या है, 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सो मेरे को क्या चाहिए, W2 मिल गया 10 M2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 98, और क्या चाहिए W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो यहाँ पे सॉल्यूट है यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 10, सो 90, ये भी मिल गया 90। ये देखो तीनों टर्म आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो, एकदम बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे यूज करो, मोलारिटी एंड मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो टर्म आएगा इंपॉर्टेंट टर्म, ये सब क्लास 11 में था, यहाँ पे जस्ट एक बार रिविजन कर लो। उसके बाद जो होगा वो होगा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैंने ml पे ले लिया इसलिए 1000 इंटू कर लिया। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब वेट बाय इक्विवेलेंट मास, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। फिर ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय इन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बाय इन फैक्टर। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट है, एकदम सिंपल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इन फैक्टर। व्हाट इज इन फैक्टर, इन फैक्टर के लिए तुम्हें एसिड, एसिडिटी, बेसिडिटी और सॉल्ट होगा तो उसका कैटायन एनायन, जैसे सोचो एसिड, एसिड का इन फैक्टर क्या होता है, एसिड का होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी जैसे सोचो HCl, HCl में कितना नंबर ऑफ H प्लस है 1, इसलिए उसका इन फैक्टर होगा 1। सोचो H2SO4, H2SO4 में कितना है 2H प्लस, प्लस SO4 2 माइनस, इसमें H प्लस कितना है 2, मतलब इसका बेसिसिटी होगा 2, मतलब ये इन फैक्टर होगा 2। सो एसिड का इन फैक्टर होता है 2 एंड बेस का होता है एसिडिटी, जैसे सोचो NaOH, NaOH में नंबर ऑफ OH माइनस कितना है, Na प्लस प्लस OH माइनस, मतलब नंबर ऑफ OH माइनस 1 है, सो इसका इन फैक्टर होगा 1। और कोई सॉल्ट होगा तो जितना नंबर कैटायन एंड एनायन रिप्लेसेबल होगा और एक्सचेंज करेगा वही होगा उसका इन फैक्टर, जैसे सोचो Na2CO3, ठीक है, ये करेंगे तो 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस, यहाँ पे देखो कैटायन कितना है 2, एनायन भी 2 है, इसलिए इसका इन फैक्टर होगा 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्मलिटी वाला भाई डायरेक्ट इक्वेशन पे सम्स आएगा, डायरेक्ट इक्वेशन पे जो किताब में एग्जांपल दिया हुआ है वो सम्स अच्छे से करना, ठीक है। तो ये नॉर्मलिटी करने से पहले कुछ टर्म को याद रखना होगा, जैसे सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल मतलब क्या है, ये नॉर्मलिटी होता है एन बाई टू, सेमी नॉर्मल जब कोई सॉल्यूशन होगा तो उसका नॉर्मलिटी होगा एन बाई टू, बाई नॉर्मल होगा तो उसका नॉर्मलिटी मीनिंग 2n, सेंटी नॉर्मल होगा तो उसका नॉर्मलिटी का मीनिंग होगा n बाय 100 एंड डेसी मोलर होगा तो उसका नॉर्मलिटी का मीनिंग होगा n बाय 10। ये सब क्लास 11 में था, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन में मैंने इक्वेशन का ये डायरेक्ट लिख लिया, ये डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, सम्स हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, यहाँ से एक सम्स 1 मार्क या 2 मार्क्स का सम्स आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर ये था डिटेल्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म एंड उसका थियोरी, एंड इसके बेसिस पे सम्स करना है, किताब से जो एग्जांपल है और जो एक्सरसाइज पे सम्स है वो करके रखो, और जो कोई दिक्कत होगा तो मेरे को व्हाट्सएप में भेजना, ठीक है। ये था कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसके बाद देखो यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब सोचो यहाँ पे जैसे सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या होता है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को प्रेशर देके यहाँ पे सॉल्युबल किया, ये CO2, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें हेनरी ने एक तो लॉ दिया, क्या दिया लॉ, के एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी मतलब कितना CO2 इसमें सॉल्युबल होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब पी प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स होता है एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी, और तुम ऐसे भी बोल सकते हो एक्स मतलब ये मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन तो शायद याद है, सोचो एक से ए एन बी, कोई सॉल्यूशन में ए एन बी दो सॉल्यूट पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, सो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर। और बी का होगा तो एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, और एन मतलब डब्लू बाय एम, ये फॉर्मूला से सम्स आएगा मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। सो वहाँ पे मोलालिटी, मोलालिटी नॉर्मलिटी का डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन से ये इक्वेशन से मोल फ्रैक्शन के लिए कुछ सम्स करना है। सो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी, हिंदी लॉ यही बोला है कि एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तुम जितना प्रेशर दोगे यहाँ पे CO2 उतना ही क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो क्या होता है, सोडा वाटर में ये जब ढक्कन ओपन किया तो क्या होगा, इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज मतलब इसका सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, तो CO2 बाहर आ जाएगा, क्लियर। तुम जितना प्रेशर दोगे CO2 उतना ही सॉल्युबल होगा, ये खोल दिया मतलब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गया तो ये बाहर हो जाएगा, ये है हेनरी लॉ। तो इधर से क्या करना है, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट, और ये के एच इंटू एक्स, इसको कहते हैं हेनरी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इधर से जो करना है कि ये इसके ऊपर डिपेंड करके सम्स है, ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करके सम्स याद रखना, सम्स प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इधर से जो करना है, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट, हेनरी कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो MCQ आता है, एक बार जस्ट रीडिंग करके रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर वन KH का वैल्यू नेचर, गैस का जो नेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और गैस का जो अंश पार्शियल प्रेशर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और डिफाइन गैस का ये KH वैल्यू डिफाइंड होता है, एंड टेम्पर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये जस्ट एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट याद रखना, पहला है हेनरी लॉ का स्टेटमेंट, उसके बाद उसका कॉन्स्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, देन हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, अप्लाई कहाँ होता है, देखो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, सोडा वाटर में होता है, सी स्क्रूबर में होता है, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल एक बार रीडिंग करके रखना, कोई दिक्कत होगा तो मेरे को व्हाट्सएप में भेज देना कि ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यही टॉपिक वन का था, तो सॉल्यूशन का टॉपिक वन में ये अच्छे से कर लो, इसके बाद टॉपिक टू में जो होगा, ये देखो टॉपिक वन में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हुआ है, और टॉपिक टू में हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें आएगा राउल्स लॉ, ये हम टॉपिक टू में करेंगे। सो टॉपिक वन से पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म से W बाई W, W बाई V, V बाई V, इसका मीनिंग समझना है, ये मीनिंग के ऊपर डिपेंड करके सम्स है, एंड उसके ऊपर डिपेंड करके नॉर्मलिटी, मोलालिटी एंड मोलालिटी वाला सम्स है, नॉर्मलिटी मोलालिटी मोलालिटी वाला ये डेफिनेशन भी लाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड मोल फ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये था टॉपिक वन का सिलेबस।